ये देखिए दोस्तों, कितनी अच्छी से मैं आटे की बर्तन से आज बनाई हूँ केक की रेसिपी, और इतनी अच्छी और जालीदार बनी थी। और स्पंजी बनी है, मैं आपको अभी तोड़ कर भी दिखा रही हूँ। ये देखिए देखिए कितनी स्पंजी बनी है और स्मूथ भी बनी है। ये देखिए, तो चलिए इस रेसिपी को आज बनाते हैं। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो एंड तक देखना। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू कविता दास रेसिपी। आज हम बनाने वाले हैं आटे की बर्तन मिनी केक रेसिपी। तो इस रेसिपी के लिए पहले हम लोग चॉकलेट को मैश कर लेंगे। चॉकलेट मैश करने के लिए एक नीचे एक भगोने में पानी डाल लिया हूँ, उसके ऊपर एक ऐसे मतलब कटोरी हो या फिर कुछ बर्तन हो उसमें रख के चॉकलेट को मेल्ट कर देंगे। और अभी मैं थोड़ा सा 2 चम्मच तक होएगा बटर डाल दिया हूँ चॉकलेट के ऊपर, और उसको अभी अच्छे से मिलाएंगे और मिला के पूरा मेल्ट कर देंगे। हाँ दोस्तों, इधर आप चाहे तो 2 चम्मच या 3 चम्मच दूध भी ऐड कर सकते हैं, और मैं 2 चम्मच दूध ऐड करके और उसको अच्छे से ऐसे घुमा घुमा के मिला लिया हूँ। और बस हमारा चॉकलेट मेल्ट हो गया है, अभी हम उसको गैस बंद कर दे के निकाल देंगे। और अभी केक के लिए हम बैटर बना लेंगे। पहले मैं 1/2 कप दही ले लिया हूँ और 1/2 कप पीटी शक्कर या शक्कर को पीस के ग्राइंडर में थोड़ा सा पीस लेंगे और उसका पाउडर बन जाता है वो ले लिया हूँ, और 1/3 कप तेल ले लिया हूँ और उसको अच्छे से मैश कर लूँगी। आप लोग कचला में कर सकते हैं, लेकिन मैं स्टैंडर्ड में कर रहा हूँ क्योंकि दही है या फिर मैं जो शक्कर डाली हूँ उसका जो गुठली रहता है वो सब निकल जाएगी। और ये देखिए, आप ऐसे ही कर लीजिएगा। अच्छे से उसको मिला लिया हूँ और उसके ऊपर एक छन्नी रख दिया हूँ। और मैं 1/2 कटोरी या फिर 1/2 कप मैदा ले लिया हूँ। आप इसकी जगह आटा भी ले सकते हैं, आटा से भी बहुत अच्छी बनती है। तो मैं मैदा लिया हूँ और 1/2 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर और 1 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा ले लिया हूँ, और उसको भी डाल के मैं अच्छे से इसको छान लूँगी। और 4 टेबल स्पून मैं इधर ले लिया हूँ कोको पाउडर, और आप चाहे तो कोको पाउडर ज़्यादा कम कर सकते हैं। बस अभी इसको अच्छे से मैश मतलब छान लेंगे। छानने से क्या होता है कि हमारा जो बैटर में ना गुठलियाँ नहीं पड़ता है। तो आप एक बार छान लीजिए, नहीं तो आप भी कर सकते हैं। और मैं अभी सारे पाउडर को छान लिया हूँ और अभी थोड़ा सा उसको मिलाएंगे। हाँ, मैं अभी इसमें दूध मिला के बैटर को बनाऊंगी। आप चाहे तो पानी से भी बना सकते हैं। और मैं एक स्टेनर ले लिया हूँ और उसको ऐसे घुमा घुमा के कट करके मिलाऊंगी, और आप ऐसे ही कर लीजिएगा। इससे क्या होता है, आपकी जो बैटर है ना वो अच्छे से फेट भी लेंगे और गुठलियाँ भी नहीं पड़ेगा। और थोड़ा थोड़ा दूध करके उसको मैं मिलाऊंगी, पूरा दूध नहीं डालूंगी। बैटर के हिसाब से हमें जितना दूध चाहिए उतना ही मिलाएंगे। बस ये देखिए, ऐसे मिलाएंगे और ऐसे कट करेंगे, ऐसे घुमाएंगे और ऐसे कट करेंगे, जिससे हमारा बैटर भी बहुत अच्छे से बनेगा, गुठलियाँ नहीं पड़ेगा। हाँ, मैं नमक डालने के लिए भूल गई थी, आप थोड़ा सा 1 पिंच नमक डाल देना और उसका बहुत टेस्ट अच्छा रहता है। बस हमारा बैटर रेडी हो गई है। तो
तो अभी देखिए मेरा दूध भी थोड़ा सा बस गई है, बस अभी उसको लगभग 6-5 मिनट में हम लोग इसमें केक बना लेंगे। और इसे आपे बर्तन में थोड़ा सा तेल ग्रीस कर लेंगे और फटाफट उसमें बैटर डाल के हमारा जो केक बना लेंगे। इतने इसमें ना ज़्यादा टाइम ही नहीं लगता है और आप ना इसमें तो 4 से 5 मिनट के अंदर आपका मतलब केक बन के रेडी हो गई जाएगी। और इसके अंदर सारे में बैटर डाल दिया हूँ 1-1 चम्मच, और जो चॉकलेट में मेल्ट करके रखे थे ना उसको ऐसे थोड़ा थोड़ा करके उसमें उसके अंदर डाल देंगे। ये जो प्रोसेस है जल्दी जल्दी से कीजिएगा। और बस अभी इसके ऊपर ना हम लोग जो दूसरा बैटर है उसको ऊपर कोट कर देंगे। मैं आपको ऐसे ही दिखा रही हूँ लेकिन आप ना इसको ना जल्दी जल्दी से करना तो पूरा भर लेंगे ऐसे सारे। और इसके बाद गैस जला के उसके ऊपर रख दूंगी। और गैस देखिए मैं पूरा धीमी कर दिया हूँ। और इसके बाद हमारा आपे का बर्तन रख देंगे और ढक्कन लगा के उसको थोड़ा सा पकाएंगे। देखेंगे 2 मिनट के बाद फिर से चेक करेंगे। और देखिए हमारा आपे बन के रेडी हो गई है। तब इसे थोड़ा सा चेक कर लेंगे, उसको नाइफ डाल के साइड से डालेंगे। अरे देखिए नाइफ पूरा साफ आ रही है, इसके मतलब हमारा आपे बन के रेडी हो गई है। आपे का केक बन के रेडी हो गई है। और इसके बाद गैस बंद कर दूंगी और थोड़ी देर ठंडा कर दूंगी। और इसके बाद फिर से निकालूंगी। बस हमारा आपे रेडी हो गई है ठंडा होके। और उसको थोड़ा सा चारे और नाइफ लगा के निकाल लेंगे। और हमारा रेसिपी बन के रेडी हो गई है। आपको अगर रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना, जो भी मैं नया वीडियो डालूँगी नोटिफिकेशन आपको पहले आ जाएगी। और देखिए मैं अभी आपको निकाल के दिखा रही हूँ। और जो भी इंग्रेडिएंट्स लिया हूँ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा। बाय।